सुबह की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ नेनुआ तोरई की सब्जी। ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही हेल्दी है। इसमें मैंने चने का इस्तेमाल किया है जो कि फाइबर से प्रोटीन से भरपूर है, और इसे कोई भी बच्चे भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसको मैंने किस तरह से बनाया है चलिए शुरू करते हैं। चना और नेनुआ का सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नेनुआ, इसको तोरई भी बोलते हैं, और ये चने को हमने 8 घंटे फूलने के लिए डाल दिया था। अगर आपको हो सके तो ओवरनाइट छोड़ दीजिए फूलने के लिए, बहुत ही अच्छे से फूल जाते हैं। और इसका सारा पानी हमने निकाल दिया है। तो सबसे पहले हम नेनुआ को छील लेते हैं। नेनुआ को हमें इस तरह से छीलना है, देखिए चाकू की मदद से, ज़्यादा नहीं छीलना है। बस क्या होता है कि अगर आपके पास ताज़े नेनुआ है तो उसको आप नहीं छीलिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं छिलके में। लेकिन हम लोग को अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए ताज़े नेनुआ नहीं मिल रहे हैं, तो इस तरह से सिर्फ काले काले जो निशान है वो हमें निकालना है चाकू की मदद से। ज़्यादा नहीं छीलेंगे, सिर्फ ऊपर का छिलका है वो पतला सा वो निकल जाएगा, तो आराम से ये साफ हो जाएगा नेनुआ। तो यहाँ पर मैंने सारे छिलके को उतार लिया था और इसे धो करके अच्छे से इस तरह से पीसेस में काट लिया है। अब इसे हम इस तरह से पीस में काटेंगे पतला पतला, देखिए। आप चाहे तो इसे और भी डिजाइन से काट सकते हैं, इस तरह से भी काट सकते हैं। इस तरह से हमने सारे निनुआ के पीसेस को काट लिया है। अब चलिए इसे बनाते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे, साथ ही इसमें हम 5 फोरन डाल देंगे। फोरन हमारा छिटक गया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ी देर चलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। और प्याज और हरी मिर्च को हम थोड़े लाल होने तक भून लेंगे। अब देख सकते हैं कि प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो रहा है। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ी देर ही इसे ब्राउन करना है। हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम चने को डाल देते हैं। चने हमने इसलिए पहले डाला क्योंकि अभी कच्चा चना है, इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। चने को पकने में टाइम लगता है और नेनुआ बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए हमने चने को पहले ही इसमें फ्राई कर लिया है। और साथ ही इसमें हम मसाले को ऐड कर देते हैं। पहले हम लहसुन डाल देंगे। लहसुन हमने यहाँ पर क्रश कर लिया है। आप चाहे तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। गैस का फ्लेम हम मसाले डालते समय धीमा ही रखेंगे। 1 चम्मच जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, हरी मिर्च हमने यूज किया है इसलिए लाल मिर्च 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच काली मिर्च भुका हुआ, जीरा पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। नेनुआ गल के थोड़ा सा हो जाता है इसलिए हमें इसमें 1.5 चम्मच छोटा चम्मच से नमक डाला है। ज़्यादा नमक का इसमें यूज नहीं होता है। अब इन सब मसाले को अच्छे से भून लेंगे चने के साथ। मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें हम नेनुआ जो कट किए थे वो डाल देते हैं। पहले थोड़े से इस तरह से चला लेंगे। इस तरह से सारे मसाले को हम नेनुआ में मिक्स कर देंगे चलाते हुए। नेनुआ को भी हमने चने और मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब देखिए इसमें से पानी, इसका जो नेनुआ का पानी है वो छूटने लगा है। अब इसमें हम थोड़े से पानी डालेंगे क्योंकि हमने चने को डाला है और चने को हमें पकाना है अच्छे से। इसमें हम थोड़े से पानी डालेंगे, करीब 1/2 गिलास से भी कम, और हम इसे ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आराम से इसे हम पकने देंगे, बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। 15 मिनट हो गए हैं हमें सब्जी को ढके हुए। देखिए इस तरह से सब्जी हमारे अच्छे से पक गए हैं।
अभी तो इसी तरह से हमें चलाते हुए इसको निनुआ को दबा दबा करके इसे चिकना कर लेना है। आपका मन, आप ग्रेवी रखिए या आप इसे सूखा ही बनाइए। तो हमें अभी थोड़ा सा और सब्जी को सुखाना है। एक बार चेक कर लेते हैं कि चना हमारा अच्छे से पका कि नहीं। तो चना हमारा अच्छे से पक गया है, बस थोड़े से इसे और हमें सुखा लेना है। तो 5 मिनट हो गए हैं हमें ढके हुए। आप देख सकते हैं कि निनुआ का सारा पानी सूख गया है और सब्जी हमारा बहुत ही अच्छा डिलीशियस दिख रहा है। इस तरह से आप बनाइएगा तो जो निनुआ नहीं खाते हैं बच्चे, वो भी खाने लगेंगे। अब गैस को हम ऑफ कर देते हैं और इसे एक हम बॉल में निकाल लेते हैं। हमारा सब्जी एकदम परफेक्ट तैयार है सर्व करने के लिए। अब इसमें हम थोड़े से धनिया पत्ती से गार्निश कर देते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को जो नए देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का घंटी वो प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो न्यू डालूं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.